हाँ जी सर, कैसे हैं? आज 28 तारीख है। आज देखा आपने निफ्टी बैंक में अच्छी खासी गिरावट देखने को आपको मिली, तो आज निफ्टी बैंक में अपडेट लेकर के आया था। और आज 28 तारीख को आप देखेंगे निफ्टी ने आज अच्छा खासा जो लेवल अपना तोड़ के दिया है, वो 462 पॉइंट तोड़ा है आज, वो 1.70। निफ्टी ओपन हुआ 27,041 पे, हाई बनाता है 27,134 का, लो बनाया है इसने 26,587 और थोड़ा सा ऊपर 26,653 पे बंद होता है। एडवांसेस जीरो एंड डिक्लाइन बार है, तो सारे के सारे नेगेटिव हैं। और आप अब मेरे कमेंट सेक्शन पे या कर्नाटका वाले बैंक में जो भी मैंने प्रीवियस वीडियो बनाए थे उसमें आपको हर समय अपडेट किया था कि बेरिश सेक्शन चल रहा है। अगर मैं अपने कम्युनिटी चैनल पर भी जाऊँ तो मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि अब जो मार्केट हो रहा है ये बेरिश दिख रहा है, मार्केट से उस बेरिश 3 डेज एगो आपको पहले ही बता दिया था। और वहाँ पे भी कर्नाटका बैंक में देखेंगे तो वहाँ पे भी अपडेट किया था उस वीडियो में कि हो सकता है कि बैंक निफ्टी का अच्छा खासा गिरावट आपको देखने को बैंक निफ्टी में मिले। ये गिरावट अभी कंटिन्यू रहेगा और 15 मार्च तक आपको 19 मार्च 18 मार्च तक आपको लगता है ये ऐसे ही ऊपर नीचे करके चलता रहेगा, तो आपको थोड़ा सा कॉशियस पोजिशन बैंक निफ्टी में बनाना चाहिए। और आज देखेंगे तो आज मैं दिखाऊं तो इसने सारे अपने ऊपर के डेमा को, चाहे वो अपना 9 दिन का डेमा हो, चाहे 20 दिन का डेमा हो, और चाहे वो 50 दिन का डेमा हो, उसको क्रॉस करते हुए जो क्लोजिंग दी है इसने 100 दिन का डेमा को केवल बचाया है। ये 100 दिन का जो डेमा उसको बचा लिया है जो कि 26,653 पे था, और यहाँ पे सेव करते हुए ये वापस सारे डेमा को लगभग तोड़ दिया, 9, 20, 50 को तोड़ते हुए नीचे गया। सबसे ज़्यादा जो गिरने वाला था उसमें HDFC बैंक था, 9 पॉइंट के साथ गिरा था, कोटक बैंक 6 पॉइंट के साथ गिरा था, नहीं सॉरी सबसे कम जो गिरा था नीचे से देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो गिरा था वो येस बैंक गिरा था 5.28%, और ICICI बैंक 12 पॉइंट गिरा था, इंडसलैंड बैंक 35 पॉइंट गिरा, फेडरल बैंक 2 पॉइंट गिरा, IDFC फर्स्ट बैंक गिरा 0.9, RBL 10 पॉइंट, एक्सिस बैंक 11 पॉइंट गिरा है, SBI गिरा 2 पॉइंट, और बैंक ऑफ बड़ौदा 0.90, PNB 0.40, कोटक बैंक 6 पॉइंट और HDFC बैंक 9.43%। टोटल देखें तो 462 पॉइंट गिरा है 1.70% के साथ। आज इसमें टर्नओवर जो देखेंगे करोड़ में देखेंगे तो 5,404 शेयर का इसमें टर्नओवर हुआ है, और वॉल्यूम देखेंगे तो 1,818.87 वॉल्यूम का ट्रेडिंग हुआ है। तो एक बार इसने अब लोअर की जर्नी चालू कर दी है, अब लोअर में जाके ये कहाँ रुकता है वो देखना है आपने को। डिक्लाइन 12 के 12 है, जो भी है सब सब निगेटिव है। निफ्टी 50 में भी अब निगेटिव व्यू है, दोनों में, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। तो अगर मैं एक बार इसके वीकली चार्ट को जाकर के यहाँ पे वीकली ड्रॉ डेमा ड्रॉ करता हूँ तो इसने एग्जैक्ट जो सपोर्ट लिया है 9 दिन के डेमा को तोड़ते हुए जो सपोर्ट लिया है इसने, ये 26,676 20 दिन का डेमा है जो कि एक बार तो ये तोड़ चुका था। तो अब आगे जो सपोर्ट मिलेगा इसको, वो आगे जो सपोर्ट है इसको ये आपको देखना पड़ेगा 26,138। 26,138 जो है वो एक 50 दिन का डेमा है, इसका वीकली डेमा है, तो पहले वहाँ पे जाके 26,000 के आसपास समझिए 26,138 वहाँ पे सपोर्ट इसको लेना चाहिए। और अगर उसको तोड़ता है तो और भी नीचे देखने को मिल सकता है, और वो हो सकता है कि एक बार आपको जो 24,795 100 दिन का डेमा है अगर वहां तक भी दिखाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले एक बार चलिए अभी इसको 26,138 का डेमा है, वीकली डेमा है, वहां पे देख लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये कल के कल आ जाएगा, ये धीरे धीरे करके जाएगा। और पहले आपको डेली डेमा पे देखें तो ये जो ये है ये लाइन है आपकी 26,653, तो वहाँ पे एक सपोर्ट लिया हुआ है इसने जो चप्पल जो कि 100 दिन का डेमा है इसका, डेली डेमा है, वो वीकली डेमा था, ये डेली का है, तो 26,600 पे है, वहाँ से टूटता है तो 26,400 का एक सपोर्ट इसको यहाँ पे है, तो 26,370-375 के आसपास फिर से इसको 200 दिन का डेमा वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, और 26,400 पे इसका 150 दिन का डेमा है। तो पहले ये दोनों टूटेगा पर 26,400 फिर वहाँ से 26,375 और फिर वहाँ से फिर 26,000 26,100 जो आपको बताया वहाँ पे जाकर के वो 26,138 वहाँ पे ये लेके सपोर्ट ले सकता है। तो बैंक में बेरिश विजन है
और हो सकता है बाद में आपको बड़े बड़े कोई न्यूज़ अभी आ जाए कि US मार्केट में वापस स्ट्राइक हो रहा है, वापस ये हो रहा है, वापस प्रॉब्लम आ रही है, तो बाद की बात में कोई भी न्यूज आ सकता है। अभी अगर देख लें अगर इसको देख लें कि US में क्या हो रहा है, इंडिसेस फ्यूचर क्या बता रहा है, तो यहाँ पे 170 पॉइंट का गिरावट बता रहा है आपको, डाउ 170 पॉइंट का गिरावट बता रहा है, S&P 13 पॉइंट का। ये गिरावट के ही है तो कल हो सकता है कि ये सपोर्ट आपको निगेटिव में और निगेटिव सपोर्ट मिल जाए आपको, और मार्केट डाउन हो और खुले। US से भले इसका कोई बहुत ज़्यादा लिंक रहा नहीं, लेकिन गिरावट में सपोर्ट तो ले ही सकता है, अप में सपोर्ट मत ले, गिरावट में तो ले ही लेगा बहाना। तो हो सकता है कि कल आपको बैंक निफ्टी अभी कुछ दिनों के लिए निगेटिव ही, आपको कुछ इनफैक्ट 15 मार्च से 19 मार्च तक का निगेटिव विजन ही रहेगा, या यूँ कह के जब तक वो एक बार 24,500 के आसपास नहीं पहुंचता है, तब तक 100 दिन का डेमा जो है 24,795, 24,800 यहाँ तक के लेवल को टच करने का पूरा दम रखता है ये। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट मुझे निगेटिव व्यू लगता है इसमें। फिर भी कोई पोजीशन अगर आपको कोई भी बैंक निफ्टी निफ्टी में बनानी हो तो आप अपने एडवाइजर से बात करके ही करेंगे, और अगर मैं इक्विटी डेरिवेटिव में इसका निफ्टी बैंक निफ्टी को जा करके देखूँ तो 31 जनवरी का अगर जाके पोजीशन देखूं मैं, तो 31 जनवरी को आप कॉल साइड में देखेंगे सब जगह इसमें शॉर्ट हो रहा है, और पुट साइड में सब जगह बाइंग हो रही है। और अगर एट द मनी देखूं मैं 26,653 माने 26,600 देखूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे 56,000 का एडिशन हो रहा है और 1,92,000 का ओपन इंटरेस्ट है, और 26,500 से अनवाइंडिंग हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, और दोनों तरफ 26,500 में दोनों तरफ से अनवाइंडिंग हुआ है, और नीचे की ओर लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। और नीचे की ओर देखें तो 26 या इनफैक्ट 26,800 से अनवाइंड हो रहा है, 26,700 से भी अनवाइंड हो रहा है, यहाँ पे सब जगह से अनवाइंड किया जा रहा है और नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है, और ऊपर में देखेंगे ह्यूज वॉल्यूम के साथ इसको शॉर्ट किया जा रहा है। पुट में उतने आप पुट साइड में देखेंगे तो उतना वॉल्यूम नहीं है, और यहाँ पे कोई सपोर्ट भी नहीं है, एक खाली 26,500 के ऊपर 6,93,000 है, तो 26,500 टूटते ही कोई सपोर्ट नहीं है, सीधा इसको 26,000 पे सपोर्ट है 4,98,000 का, और यहाँ से भी अनवाइंड हुआ, 26,500 से भी अनवाइंड हुआ है, आज ही हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे 27,000 से लेकर के ऊपर की ओर अच्छी खासी शॉर्टिंग बन रही है, और 27,500 तो बहुत दूर रहा, अब इनको 27,200 को क्रॉस करने में हालत खराब हो जाएगी। इनफैक्ट 26,900 पे भी ये 27,000 पे 7,51,000, 4,60,000 का तो आज ही एडिशन हुआ है 27,000 पे, पर इसको शॉर्ट कर रहा है, तो अब इतना जल्दी पोजीशन यहाँ पे नहीं दिख रहा बनते हुए डेरिवेटिव में। तो एट द मनी 26,600 पे भी कोई भी चाहे, जो कि 132 की लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, तो यहाँ पे कोई पोजीशन बनाते हैं, पेपर ट्रेडिंग करते हैं, तो आप यहाँ पे करके देख सकते हैं 26,600 के पुट पे, जो कि 132 रुपये पे दिख रहा है, और चाहें तो आप 27,000 के ऊपर वाले कॉल जितने भी हैं, 27,100, 27,200 जो कि 48 और 34, इसको आप शॉर्ट करके आराम से बैठ सकते हैं, ये आपको 0 पैसे 0 नीचे की ओर ही जाएगा ये, तो आपको यहाँ पे अच्छे खासे प्रीमियम देखने को मिलेगा, तो ये भी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। इस सिंगल स्ट्रेटजी 26,600 को पुट को आप ले सकते हैं, जो कि 132 रुपये पे मिल रहा है, 26,500 को 104 रुपये पे मिल रहा है, जैसे आपको लगे वैसे रिस्क ले सकते हैं वीडियो। लेकिन ये सारे एजुकेशनल पर्पज से थे, आपको कोई भी मार्केट में पोजीशन डायरेक्ट नहीं बनानी है, और अगर बनाएंगे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके बनाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।